सर्विस में मुझे जो कॉस्ट लगा है वो 253 रुपीज मात्र लगा। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सबको सलाम नमस्ते एंड जोहार। सो क्या हाल चाल है मेरे भाई और बहनों। देखो अभी मैं डोमिनर 2022 मॉडल का जा रहा हूँ फर्स्ट सर्विसिंग करवाने के लिए। सो अभी जो मेरा बाइक है वो चल चुका है 721 किलोमीटर, और इसका मैनुअल ऑनर बुक आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि 500 से 750 के बीच में आपको फर्स्ट सर्विसिंग है वो करवा लेना है। तो ऑलरेडी मेरा 721 किलोमीटर चल चुका है, एकदम इंड में आ चुका है। टाइम आ गया है क्योंकि यहाँ भी देखो बता रहा है, नोटिफिकेशन बता रहा है कि सर्विस रिमाइंडर दे रहा है हमको बार बार सर्विस रिमाइंडर। मैं हूँ अभी रामगढ़ में, झारखंड के रामगढ़ में हूँ। मैंने बाइक लिया था रांची से, पर यहाँ पर रामगढ़ में बजाज का शोरूम है, वोल्कन बजाज है, तो वहीं पर मैं जा रहा हूँ अभी बाइक लेके। देखते हैं फर्स्ट सर्विसिंग में क्या क्या करते हैं। तो मैं रांची भी जा सकता था लेकिन रांची यहाँ से है 45 किलोमीटर दूर है, तो मैं सोचा कि यहीं पर करवा लेते हैं। मैंने यहीं पर अपना सैडल स्टे भी मंगाया है अपने सैडल बैग के लिए बजाज के ऑफिशियल वेबसाइट से। सो देखो यहीं पर है रामगढ़ का वोल्कन बजाज, क्या पता खुला है कि नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत सुबह आ गया हूँ, अभी 9:30 हुआ है। इधर आगे शोरूम हो गया। यहाँ का एक बात बताऊँ कि जब मैं इस बाइक को लेने से पहले 10 दिन पहले यहाँ आया था तो मेरा इस शोरूम वाले एक मैनेजर से बहस हो गया था। वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर लॉन्च ही नहीं हुआ ये बाइक, किधर लगा है। अमन आया है क्या? हाँ कितना बजे उसी के बगल में चाय पीने आए हुए हैं, थोड़ा सा भी टाइम लगेगा सोचे चलो जब तक चाय पी लेते हैं और आप लोग से बात कर लेते हैं। अभी भी आप लोग देखो बाइक लेते हो, नया बाइक लेते हो तो ये जो होता है ओनर मैनुअल बुक होता है, इसको जरूर पढ़ा करो। इसमें बहुत सा जानकारी की बातें दिया हुआ रहता है कि आपको फर्स्ट सर्विसिंग में क्या क्या करवाना है, क्या क्या नहीं करवाना है। क्योंकि पहले जो डोमिनर आता था ना उसमें जो इंजन ऑयल लगता था उसमें 1.5 लीटर का लगता था, 1.5 लीटर का लगता था। लेकिन जब 2019 मॉडल आया डोमिनर उसमें फिर 1.6 लीटर लगता था, और 2000 जब BS6 आया तब से 1.7 लगता है। इसमें भी मेरा बाइक के बारे में लिखा हुआ है, ये जो बाइक का लिखा हुआ कि इसमें मोबिल जो लगेगा 1.7 लीटर लगेगा, मतलब 1 लीटर 700 ml लगेगा। तो ये जो मुझे बुक मिला ये मुझे पुराने वाला डोमिनर का मिला है, जो नया वाला एडवेंचर वर्जन आया उसका मुझे नहीं मिला है, 2022 मॉडल का ये नहीं मिला है। उसको मैंने नेट से डाउनलोड किया लेकिन उसमें भी सेम है 1.7 है, और बहुत चीज़ इसमें जानकारी दिया हुआ रहता है। मैंने अपने डोमिनर के लिए इसको अभी यूज़ करूँगा 7100, इसका जो है 10W50 है, इसका जो रेशियो है ये लोग देख सकते हो, इसको यूज़ करूँगा। ये 1.5 लीटर है और 200 ml इसमें है, तो चलो इसको करवाते हैं और देखते हैं फर्स्ट सर्विसिंग में कितना लगता है। कब लगाया नंबर पे? हो गया, मोबिल लेकर आया ना। पहला सर्विस मोबिल यूज़ नहीं कर सकते आप ना? हाँ नहीं मिलेगा भैया। कच्ची पहला सर्विस में अगर जैसे मोबिल आप डाल रहे हैं, हाँ ठीक है, 3 सर्विस तक आपको मोबिल बजाज के डालना पड़ेगा। अच्छा, कारण क्या है कि कभी जाके कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो हमको वारंटी वैसे नहीं लेना। कोई दिक्कत नहीं है। ये अमन है, मेरा घर का बगल में ही रहता है, बोल रहा है कि अगर हम बजाज का यूज़ करते हैं फर्स्ट 3 सर्विस ही तभी हमको वारंटी मिलेगा। मैंने तो मोटोल का मोबिल लेके आया हूँ, तो देखते हैं। लेकिन हम तो सोच रहे मोटोल ही डलवा लेते हैं। हमें क्या मिला, ये है एवेंजर 150 है। एवेंजर 150 में देखो डोमिनर का हेडलाइट लगा हुआ है भाई, क्या दिख रहा है। लेकिन उतना मस्त मुझे नहीं दिख रहा है, इसमें गोल हेडलाइट ही ज़्यादा अच्छा दिखता अगर ये एवेंजर में। लेकिन इधर आइए ना, अरे बेटा इधर भी है, क्या बात है, ये तो डिस्कवर में भी लगा दिया है बेटा। ये लोग काम करता है बजाज में, कुछो कर लेता है ये लोग तो। ये सब जो यहाँ वर्कर लोग है वो वही लोग का ये बाइक है। अच्छा, वो भी दोनों फंक्शन काम करेगा, अपर डपर सब? हाँ सब। मेन बात इसको इसलिए लगाया गया है कि इसका डोमिनर का जो लाइट है ना वो काफ़ी अच्छा है। मीटर भी लगा सकते हैं, इसलिए लगा हुआ है डोमिनर का हेडलाइट। तो इसको हम बोले साला मीटर खोल दो, ठीक। हाँ चेंज करते हैं। अच्छा अभी चेंज साफ हो रहा है। कितना देर लगेगा? हो गया लगभग, हो गया लगभग। मोबाइल मिलेगा तब बता देंगे। मोबाइल दीजिए, मोबाइल दीजिए। अरे मोबाइल वा
कितना है? डेढ़ है, इसमें डेढ़ है, इसमें 200 है, ठीक ना? पुराना वाला को एक ठों में डलवा देना ना, मतलब आधा डलवाना, पूरा मत डलवाना, कभी कभी कुछ चीज़ में काम आता है। चेन क्लीन बस। हाँ चेन क्लीन। मोबाइल फिल्टर बोल देना, डाल देना पहले। सो ऑलमोस्ट मेरी बाइक की सर्विसिंग हो चुकी है, बाइक का टेस्ट राइड लिया जा रहा है मैकेनिक के द्वारा जो मेरा बाइक सर्विस किया। सामने से आता हुआ देख लीजिए, ये डोमिनर है। हाँ जी, बजाज का नहीं है? नहीं, बजाज का है, तभी तो बजाज सर, बजाज से नहीं। अच्छा नहीं चलाया ये, करना पड़ा 261 के 252 ऐसे ही। हाँ 260 हो गया सर्विस। हाँ इसको साफ उप नहीं होगा ये, ठीक है। सो भाई पॉलिश हो रहा है यहाँ पे अपना बाइक का। ठीक है ठीक है। सो भाई अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, देखो सर्विसिंग हो गई है भाई, फर्स्ट सर्विसिंग डोमिनर की। देखो अपनी बाइक यहाँ हो गई है रेडी और फर्स्ट सर्विसिंग डोमिनर की हो चुकी है, डोमिनर 2022 मॉडल की। और सच में प्राइस के मामले में मैं क्या बताऊँ, बजाज से क्या कहूँ भाई, मतलब इतना कम प्राइस में सर्विसिंग हो गई, मतलब मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा है। फर्स्ट सर्विसिंग में लोग क्या क्या किया, मोबिल तो मैं खरीद के लाया था, आप लोग को बताया, मोटोल का 7110W50 को डलवाया है मैंने। वो लोग बोल रहे थे कि बजाज का ही डलवाने, पर मैंने बजाज का नहीं डलवाया क्योंकि मैंने बहुत सा वीडियो में भी रिव्यू देखा हूँ बहुत सा, लेकिन उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलता है। मेरे को इस बाइक से टूरिंग करना है, टूरिंग के लिए फिर निकलना है, तो मैं इसलिए मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे अच्छा बेटर परफॉर्मेंस चाहिए। तो मोटोल 7100 से डोमिनर में, मोटोल 300 V2 लेते वो भी अच्छा है, लिक्विड मोली में जाओगे वो भी अच्छा है, लेकिन बजट में अगर बात करो तो मोटोल 7100 10W50 ये सबसे अच्छा है बजट में मोबिल के लिए। वो लोग बोल रहे थे कि आपको अगर यहाँ से आकर आप लोग मोबिल नहीं लेते तो आपका वारंटी ख़त्म हो जाएगा, पर मेरे कोई टेंशन नहीं, वारंटी ख़त्म हो जाए कोई वैसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने इससे पहले मैं NS में भी था, तो मैंने NS में भी फर्स्ट सर्विसिंग से मोटोल ही डलवाया था। तो अब बात करते हैं सर्विस में मुझे क्या कितना पड़ा। सर्विस में मुझे जो कॉस्ट लगा है वो 253 रुपीज़ मात्र लगा। 253 में मेरा मोबिल फिल्टर चेंज हुआ है, जो चेन क्लीन होता है वो हुआ है, चेन क्लीन का भी मेरे को लगा है, चेन क्लीन का मुझे लगा 146 रुपीज़ लगा चेन क्लीन का। मोबिल फिल्टर चेंज हुआ 76 रुपीज़ लगा। कोटिंग करवाया है टेफलॉन कोटिंग, जो पॉलिश होता है जिससे बाइक में और चमक आ जाती है, वो भी मैंने करवा लिया, चलो फर्स्ट सर्विसिंग था इसलिए मैंने करवा लिया। तो टोटल अगर बात करें तो, अगर मैंने ये ऑप्शनल था, अगर मैं पॉलिश नहीं करवाता या चेन क्लीन या चेन स्प्रे नहीं मरवाता तो वो और भी लेस हो जाता, लेकिन सारा चीज़ करवा के मुझे 430 रुपया पड़ा है। तो काफ़ी कम बजट में भाई हो गया। शुरू के वीडियो में मैंने बोल दिया था 253, लेकिन 253 में उसके बाद मैंने पॉलिश कराया, टेफलॉन कोटिंग करवाया है, इसका जो कूलेन होता है कूलेन यहाँ पर इसका ख़त्म हो गया था, मतलब ख़त्म नहीं हुआ था, कम हो गया था, कूलेन मैंने डलवा दिया है। और यहाँ पर आप इंजन में देख सकते हैं एकदम लाल खून दिख रहा है, क्योंकि 7100 मॉडल का वो एकदम लाल होता है उसका मोबिल। बाइक अभी और अच्छा लग रहा है, बाइक का फर्स्ट सर्विसिंग हो गई, अब थोड़ा सा स्पीड चलेंगे, बताएंगे कि कैसा है बाइक अब चलाने में। तो मुझे अभी मैं चला के आया सर्विस सेंटर से, सर्विस सेंटर का मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ लोग बोलते हैं कि भाई बाइक की जगह खड़ा मत रहो, बार बार एक ही चीज़ बोलते रहते हैं भाई, यहाँ अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। और कैमरा का पीछे है अभिनव, है अभिनव का भी फर्स्ट सर्विसिंग हो गया है, इसका GT Continental 650 का। तेरा कितना लगा था बता दें?
मेरा 2500 था, 2500 2500 लगा था। हाँ लेकिन तेरा लीटर ज्यादा लगा था ना, तीन मेरा 3 लीटर 100 ml लगा था। नहीं मेरा भी देखो 430 नहीं लगा, 430 तो सिर्फ इसमें लगा मेरा, अगर मोबिल का जोड़ के बताए तो 1600-1700 ऑलमोस्ट लगा, फिर भी 1600-1700 फर्स्ट सर्विसिंग में। अगर यही BMW की बाइक रहती तो 7-8 हजार पकड़ लो। तो मोबिल मैं खुद अमेजोन से लिया था, तो मोबिल का पकड़ के चलो 1200 मुझे लगा मोबिल का, मैंने अमेजोन से मंगाया था और 430 रुपये दर्ज, मतलब 1600 रुपये में आपका फर्स्ट सर्विसिंग डोमिनर में हो जाती है 2022 मॉडल की। तो चलो जो मुझे अपडेट देना था यही दे दिया। ऐसे तो आप सर्विस बुक अगर निकालोगे जो ओनर मैनुअल बुक दिया रहता है उसमें बहुत सा चीज़ होता है कि ये चेक करने के लिए दिया होता है कि आपको एक्सेलेटर ग्रीसिंग करना है, आपको क्लीन करना है, लुब्रिकेट करना है, जो एक्सेलेटर क्लच वायर होता है वो सब आप देखोगे। लेकिन ये लोग ऐसे उतना इन लोग को नॉलेज नहीं रहता है यहाँ पर, वो लोग ये सब करते नहीं है। जो मेन होता है मोबिल चेंज करते हैं, मोबिल फिल्टर चेंज करते हैं, एयर फिल्टर भी बोले फर्स्ट सर्विसिंग में लोग कुछ नहीं करता ना साफ करता ना शायद उसका एयर। भाई सॉरी कि आ गया था, बिना का फोन आ गया था इसलिए। हाँ तो फिर एयर फिल्टर भी वो लोग साफ अप नहीं किया, बोला एयर फिल्टर अभी सेकंड सर्विस में वो लोग देखेगा निकाल के, बोलता 15000 के बाद ही वो चेंज होते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मुझे फर्स्ट सर्विसिंग सब फ्री में था तो इसलिए मैं करवा लिया। मैंने लेबर कॉस्ट भी करवा पूछा, लेबर कॉस्ट यहाँ का है 400 कुछ रुपया है, 470-72 रुपया है अगर पेड। ये तो मेरा फ्री सर्विस था, अगर पैड में करवाता तो 400 और इसमें ऐड हो जाता। एयर प्रेशर जो होता है उसको चेक करवाया है, तो यही सब होता है, वॉशिंग हुआ है, बस यही सब हुआ है और तो कुछ होता नहीं है फर्स्ट सर्विसिंग में। और चलो फिर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर देना भाई, आप लोग को अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। और देखो हम लोग इस ब्यूटीफुल लोकेशन पर आए हुए हैं अभी रामगढ़ के, देखो कितना अच्छा नज़ारा है चारों ओर देखो भाई। अभी हम लोग यहाँ पर लेंगे फ़ोटो क्लिक करेंगे यहाँ पे बाइक के साथ, इसलिए यहाँ भी आए हैं और यहाँ पर बहुत शांत माहौल है। ये है रामगढ़ का सिरकंडेर जंगल है, रामगढ़ से मात्र 2 या 3 किलोमीटर होगा अंदर, मतलब रामगढ़ कॉलेज के पास से थोड़ा सा आगे उससे जाता है। सो ब्यूटीफुल लोकेशन है काफ़ी, तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे। सो चलो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सबको बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।